वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा दीप सिंह, यह नाम सुनते ही मन में वीरता भर आती है। बाबा दीप सिंह जी न केवल एक योद्धा थे, बल्कि वह बहुत बड़े विद्वान भी थे और गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चे सिख भी थे, जिन्होंने अपना शीश दे दिया मगर गुरु से कभी भी मुंह नहीं फेरा। तो आज हम उनके जीवन में से 20 बातें मिलकर जानेंगे, जिसमें हमें थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में पता चलेगा। बाबा दीप सिंह का जन्म गांव पोहविंड जिला अमृतसर में हुआ। इनके माता पिताजी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बहुत ही प्यारे सिख थे। वह गुरु तेग बहादुर जी को भी मिले थे। उनके पिताजी का पहला नाम भक्ता था और माताजी का नाम जीवनी था। बाबा दीप सिंह जी का बचपन उनके गांव में ही बीता। बचपन से ही वह सेहत से जोशीले और बलवान थे। उन्होंने गांव में ही घोड़सवारी सीखी, शस्त्र विद्या सीखी, खेतों में काम करना सीखा, पढ़ाई करना सीखी। इस तरह से और भी बहुत सारे काम उन्होंने सीखे। और जब वह एक बार अपने माता पिताजी के साथ श्री गुरु गोविंद सिंह जी को मिलने के लिए गए, तो गुरु साहब ने उससे पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। तो जवाब दिया, गुरु जी मैं दीपा हूँ। संगत जी, बाबा दीप सिंह जी का बचपन का नाम दीपा था। तो गुरु जी ने कहा, वाह नाम तो बहुत प्यारा है, तो बड़ा होकर खालसे का दीप बनेगा। गुरु जी ने पूछा, क्या तुम्हें शस्त्र चलाने आते हैं। तो बाबा दीप सिंह जी ने कहा कि हाँ जी, मैंने गांव में सीखे हैं, मगर जैसे यहाँ खालसा शस्त्र चलाते हैं, इतनी ज्यादा निपुणता मुझमें अभी नहीं है। तो गुरु साहब ने कहा, क्या यहाँ रहकर और विद्या सीखना चाहोगे। तो बाबा जी ने माता पिता की तरफ देखा और अपने माता पिता से कहा कि मैं शस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ। तो माता पिता बहुत खुश हुए। उन तीनों ने उसी होला महल्ला पर अमृत छका और पिता जिनका नाम भक्ता था, वह खालसा बनकर अमृत पान कर भगत सिंह बने और माता जो जीवनी थी वह जीवन कौर बनी और दीपा वह अमृत पान करके दीप सिंह बना। तो इस तरह पूरा परिवार खालसा सच गया। बाबा दीप सिंह जी ने आनंदपुर में रहकर गुरु के दर्शन करने का हर रोज उन्हें मौका भी मिलता था और वहां रहकर उन्होंने गुरबानी भी सीखी, सिखों से शस्त्र विद्या भी सीखी। कहते हैं बाबा दीप सिंह जी की लिखावट बहुत ही कमाल की थी, उनकी लिखाई के चर्चे पूरे आनंदपुर में थे। कुछ वक्त बाद उनके माता पिताजी दीप सिंह को लेने के लिए आए, तो अपने बेटे को देखकर वह बड़े खुश हुए। वह एक पूरा सिख सैनिक बन चुका था। उसके चेहरे का नूर बता रहा था कि इस पर गुरु की कितनी कृपा है। उनके माता पिताजी ने दीप सिंह को साथ ले जाने के लिए गुरु जी से आज्ञा मांगी। तो गुरु जी ने कहा, दीप सिंह अभी तुम घर जाओ और जो कुछ यहाँ सीखा है उसे बाकी लोगों में भी पहुंचाओ, उन्हें भी गुरबानी और शस्त्र विद्या सिखाओ, ताकि वह भी अंदर से और बाहर से मजबूत हो सके। और हाँ, जब मैं बुलाऊं उस वक्त तुम चले आना। तो बाबा दीप सिंह जी गुरु का आदेश लेकर गांव में गए और जो गुरु जी ने कहा वैसा ही गांव में जाकर किया। कुछ समय बाद गुरुजी पर और गुरु साहब जी के परिवार पर मुगलों ने बहुत अत्याचार किया, जिसकी कभी कभी खबर बाबा दीप सिंह जी को मिलती थी। परंतु गुरुजी का आदेश था कि जब मैं बुलाऊं उसी वक्त आना। इस बात ने बाबा दीप सिंह जी को रोक रखा था और बाबा दीप सिंह जी को ये भी पता न था कि अब गुरुजी कहाँ हैं, क्योंकि वह आनंदपुर छोड़कर जा चुके थे। उसके बाद कुछ ही दिनों में गुरुजी का पूरा परिवार शहीद हो गया और गुरुजी रब के हुक्म को मीठा मानकर आगे बढ़े और कुछ वक्त दमदमा साहिब में बिताया।
दमदमा साहब में जब गुरु साहब कुछ वक्त रुके तो उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को लिखने का काम आरंभ करने की सोची। तो उस वक्त उन्होंने बाबा दीप सिंह जी को बुलाया, जिनकी लिखावट बहुत ही सुंदर थी। बाबा दीप सिंह जी एक तरफ तो बहुत खुश थे कि गुरु जी ने मुझे बुलाया है, और दूसरी तरफ ये भी सोच रहे थे कि मैं गुरु के सामने क्या कहूंगा। उनके चारों पुत्र और माता जी शहीद हो गए हैं, कितने सिख शहीद हो गए हैं, मैं किस मुंह से उनके पास जाऊं। तो जब बाबा दीप सिंह जी वहां पहुंचे तो वह गुरु साहब को देखकर दंग रह गए। गुरु साहब जी का चेहरा जैसे आनंदपुर साहब में खिला हुआ रहता था वैसा ही अब था। गुरु साहब बाबा दीप सिंह जी के दिल की बात जानते थे। गुरु जी ने कहा कि जाओ आराम करो, हम कल बात करेंगे। अगले दिन गुरु साहब जी ने एक विशेष शामियाना लगवाया, कागज कलम सब कुछ मंगवा कर भाई मनी सिंह जी और बाबा दीप सिंह जी को पास में बिठाकर पूरा गुरु ग्रंथ साहब जी को लिखवाया और कहा कि दीप सिंह जी आपने अभी यही इसी स्थान पर रुकना है, और जो ग्रंथ अब तैयार हुआ है उसके और भी उतारे करने हैं। यहाँ रहकर ना केवल गुरबानी का प्रचार करना बल्कि सिखों को सिपाही बनने का हुनर भी सिखाना है। जैसे हम पर ऐसा वक्त आया है, हो सकता है ऐसा वक्त कभी सिखों पर भी आए, इसलिए तैयार बर तैयार रहो और एक रब से जुड़े रहो। कुछ दिनों के पश्चात गुरुजी हजूर साहब की ओर चल पड़े और बाबा दीप सिंह जी को इसी स्थान की सेवा करने के लिए रोक दिया। कुछ ही दिनों बाद बाबा दीप सिंह जी को गुरु साहब जी के जाने की खबर मिली। बाबा दीप सिंह जी ने कहा, ये कैसे हो सकता है, कुछ दिन पहले तो यहाँ से गए थे। तो एक सिख ने पूरी कहानी बताई कि क्या क्या हुआ, कैसे मुगलों ने धोखे से गुरु जी पर वार किया और कैसे गुरु जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरुगद्दी देकर ज्योति जोत समा गए, और अब बाबा बंदा सिंह बहादुर को गुरु साहब ने पंजाब की तरफ भेजा है ताकि जो जुल्म का अंत किया जा सके। जब बाबा दीप सिंह जी को पता चला कि बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब की ओर आ रहा है तो उन्होंने सभी सिख योद्धाओं को आदेश दिया कि जितना भी हो सके बाबा बंदा सिंह बहादुर का साथ दो, वो भी हमारी तरह गुरु के बताए मार्ग पर चलकर जालिमों से लड़ रहा है। तो बहुत से सिख बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ जुड़े और उनके साथ लड़े। कुछ दिनों बाद बाबा दीप सिंह जी भी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ मिले और मिलकर बहुत खुश हुए, और अब दोनों ने साथ मिलकर जालिमों को सब सिखाने की ठानी। दोनों ने मिलकर एक एक करके सभी मुगलों व उन जालिमों के ठिकानों को बर्बाद किया जहां पर जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। उन्हीं में से एक था समाना, वहां पर वो जल्लाद रहता था जिसने श्री गुरु तेग बहादुर जी के सिर को कलम किया था। दोनों ने मिलकर उस जल्लाद और उस नगर के जालिम फौजदार को भी नवंबर 1709 में सबक सिखाया। समाना के बाद बाबा बंदा सिंह और बाबा दीप सिंह जी ने ठसका में, उसके बाद गुड़नाम में, फिर शाहबाद, कुंजपुरा, मुस्तफाबाद और फिर कपूरी में पहुंचे, जहां पर एक शासक था जिसका नाम था कामुद्दीन। वो नगर की लड़कियों से गलत काम करता था। सिंहों ने उसके किले और उसे बर्बाद करके नगर में सच का प्रचार आरंभ किया और उस पापी को सजा दी। उसके बाद दोनों संडोर पहुंचे। इस नगर का अधिकारी हिंदुओं के मुर्दे जलाने नहीं देता था और सभी पर भारी कर लगाता था, जुल्म की हद थी। उस पापी का नाम था उस्मान खान। जब इसको सिंहों के आने का पता लगा तो उसने पूरी तैयारी की और भारी फौज के साथ हमला किया, मगर सिंहों के जोश के सामने वह टिक न सका। उस्मान खान की इसमें भारी हार हुई। उसके बाद यहाँ के लोगों ने उस्मान खान की हार की खुशी मनाई और नगर में फिर से अमन शांति पैदा हुई। इस
इसके बाद जहां छोटे साहबजादों की शहीदी हुई सरहंद, उस नगर के अधिकारियों को खास करके दीवान सुच्चानंद जिसने छोटे साहबजादों को शहीद करवाने की अहम भूमिका निभाई, उसे उसके किए की और बाकी जालिमों को भी लड़ाई में हराया और पूरे शहर पर कब्जा करके गुरु साहब जी के साहबजादों को श्रद्धांजलि अर्पण की। उसके बाद दोनों ने मिलकर पंजाब के और भी बहुत से राज्यों में जहां जहां जालिमों का राज था उनके राज को तोड़कर खालसे का राज्य कायम किया और बाबा दीप सिंह जी आखिर में वहां पहुंचे जहां वे गुरु साहब से पहली बार मिले थे, आनंदपुर साहिब जो अब वीरान पड़ा था। बाबा दीप सिंह जी ने फिर वहां दीवान लगाने शुरू किए, वहां पर गुरबानी का प्रचार किया और 3 महीनों के अंदर अंदर आनंदपुर शहर में फिर से वही चहल पहल शुरू कर दी जैसी चहल पहल गुरु साहब के वक्त थी। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहीदी हुई तो मुगल फिर से पंजाब की ओर बढ़ने लगे और पहले से ज्यादा खतरनाक हुक्मरानों को पंजाब में भेजने लगे। 1726 के बाद जकरिया खां को लाहौर का पंजाब का जो राजधानी थी उसका सूबेदार बनाया, जिसने सिखों पर अत्याचार करना आरंभ किया। उसने फिर से जुल्म करने शुरू कर दिए। बाबा दीप सिंह जी जहां एक तरफ हो रहे हमलों से सिखों को आगाह करते थे, उधर दूसरी तरफ वे गुरबानी का प्रचार भी निरंतर करते जा रहे थे। वे छोटे छोटे पोथी साहब तैयार करके लोगों में बांटते, उन्हें गुरबानी पढ़ना सिखाते और शस्त्र विद्या, घोड़सवारी और अनेकों ही तरह की विद्या लोगों में बांटते, गुरु साहब की शिक्षा देते। संगत जी, इसके बाद बहुत सारे साल बाबा दीप सिंह जी एक तरफ लोगों में गुरबानी का प्रचार कर रहे थे और साथ में उन सिखों का साथ भी दे रहे थे जो जालिमों के साथ लड़ रहे थे, और उन सारे जालिमों के साथ टक्कर लेते हुए भाई मनी सिंह, भाई तारू सिंह वाह जैसे अनेकों ही सिख शहीद हो गए। सत्रह में अब्दाली ने तैमूर को पंजाब का सूबेदार बनाया और उसने भारी फौज रखकर जहां भी सिख दिखे उसे मार मुकाने का हुक्म दिया। संगत जी, जालिम सच से डरता था, वह सिखों से डरता था कि कहीं फिर ये इकट्ठे होकर हम पर हावी ना हो जाए और वह हमारे राज्य को खत्म ना कर दें, तो इसके लिए वो डरते थे। तो इसकी खातर उन्होंने भारी फौजों को पंजाब में रखकर तबाही मचानी शुरू। उसमें से जहान खान को आगे रखा और उसने श्री दरबार साहब पर हमला कर दिया और सरोवर को मट्टी से बंद कर दिया, दरबार साहब की बेअदबी की। जब बाबा दीप सिंह जी को इसकी खबर हुई तो वह उस वक्त काफी बुजुर्ग हो चुके थे, 75 साल की उम्र से ज्यादा थे। दीप सिंह जी ने कहा कि अब जालिमों ने हद कर दी है, अब उनको फिर से सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तो बाबा जी ने पहले सब सिखों को संदेशे भेजे, उनको इकट्ठा किया और अमृतसर से सभी सिख संगठनों को इकट्ठा करके दरबार साहब पर हुए पूरे हमले की कहानी सुनाई और फिर आगे बढ़े। जब तैमूर को पता चला कि सिख लड़ने के लिए आ रहे हैं तो वह भागकर अटक चला गया और जहान खान जिसने दरबार साहब की बेअदबी की उसके साथ अमृतसर के नजदीक गोहलगढ़ वहां पर युद्ध हुआ, वहीं जहान खान की हार हुई। उसके बाद अब्दाली ने पंजाब में और टुकड़ियां भेजी और उसके साथ भी बाबा दीप सिंह जी ने युद्ध किया। 2-3 बार बड़े युद्ध हुए लेकिन वह सभी हार गए। सभी मुगल हैरान थे कि एक बुजुर्ग कैसे जवानों की तरह लड़ रहा है। आखिरी जो युद्ध था वो दरबार साहब के पास ही हुआ था, वो युद्ध भी सिख जीत चुके थे लेकिन आखिर में बाबा दीप सिंह जी का शीश जमाल खान के साथ लड़ते हुए कट गया और बाबा जी ने उसका शीश मिधर से अलग कर दिया।
बाबा जी ने गुरु साहब का शुक्र किया कि आपने मुझे इस शहीदी के लिए चुना। बाबा दीप सिंह जी श्री दरबार साहब के सरोवर के पास पहुंचे और वहीं पर नमस्कार करके अपने शीश को गुरु के चरणों में रखा और प्राण दे दिए। तो संगत जी, ऐसा था बाबा दीप सिंह जी का जीवन। संगत जी, मैंने बहुत ही कम बताया है क्योंकि बाबा दीप सिंह जी का जीवन बहुत ही बड़ा है। उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े कार्य किए हैं जो इस वीडियो में पूरे नहीं बताए जा सकते। उनकी सबसे बड़ी महानता है गुरु के प्रति प्रेम और गुरु के आदेश को मानना। आज उनके इतिहास को पढ़कर एक बात हमें जरूर समझ आती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु जो कहे उसे हमें पूरे मन से मानना चाहिए। गुरु के बताए मार्ग पर ही चलना चाहिए क्योंकि उनकी शरण में रहना ही हर सिख का कर्तव्य है, जैसे बाबा दीप सिंह जी ने किया। और जुल्म के खिलाफ लड़ना, ये भी हर सिख का धर्म है। बाबा दीप सिंह जी ना केवल एक योद्धा थे बल्कि एक उच्च विद्वान, महान लिखारी, महान नायक थे। उनको जितना भी नमन किया जाए उतना ही कम है। तो एक बार फिर मैं बाबा दीप सिंह जी के चरणों को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने हमें जीवन की सही राह दिखाई, हक सच के लिए लड़ना सिखाया और गुरु से प्रेम करना भी सिखाया। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।